Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th General Science class. मैं करता हूँ कि बेटा आप सब क्लियर से होंगे. 10th General Science बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसमें से जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं बेटा वो हम डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट टाइम हमने जो डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज थे वो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक शॉक होता है वो क्या होता है और किस तरह से वो कॉज होता है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बिजली का झटका. तो किस तरह से आपको लगता है भाई घर में कोई चीज़ जब शॉर्ट हो जाती है उससे क्या मुराद होता है कि बेटा जो उसकी लाइफ वायर है, जो उस आप कह सकते हो उस अप्लायंस की वो जो मेटेलिक बॉडी होती है अप्लायंस की, उसके साथ क्या कर देती है, टच कर देती है. जैसे ही बेटा वो टच करती है तो जो करंट है वो उसमें फ्लो होना शुरू हो जाता है. और जैसे ही आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हो, उस मेटेलिक बॉडी को हाथ लगाते हो, क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, तो उसमें करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि वो जो आपके पास जब आप हाथ लगाते हो आपकी बॉडी में भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है. और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक. फिर हमने देखा कि जो बहुत हमने डिफरेंट शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाँ पे आग लग जाती है, तो आग लगना भी बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा खतरा है. क्यों, क्या होता है बेटा, आपके पास जो डिफरेंट अप्लाइसेज हैं वो रेजिस्टर के तौर पे क्या कर रही होती हैं, एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है. जब उनकी वायर की जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाती है तो बेटा फिर वहाँ पर आपके पास फायर कॉज होती है. इस तरह से नेक्स्ट था बेटा आपके पास एक्सप्लोजन, जिसको हम धमाका भी कहते हैं, ठीक है. एट दी प्लेसेस वे पेट्रोल डीजल फायरवर्क्स और इनफ्लेमेबल केमिकल्स आर प्रेजेंट. हाँ, अब देखें पेट्रोल पंप पे या क्या कहते हो जहाँ लकड़ी का काम होता है वहाँ पे या जहाँ पे ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जिनको आग लग सकती है, तो शॉर्ट सर्किट भी कम एक्सट्रीमली डेंजर. वहाँ पे जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या लग रहेगी बेटा, वहाँ पे एक धमाका होगा, एक्सप्लोजन होगा. मटेरियल्स कैन एक्सप्लोड आफ्टर कैचिंग फायर, ठीक है. जैसे ही उनको आग लगेगी, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप पे या आप कह सकते हो लकड़ियों पे जहाँ काम हो रहा है उस जगह पे, तो क्या होगा, आग लगेगी और वहाँ पे क्या होगा, धमाका होगा. चलें अब आते हैं बेटा आज के टॉपिक पे, प्रिकॉशनरी मेजर. कि बेटा क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको यूज करते हुए हम इन इलेक्ट्रिक शॉक, इस फायर या इस एक्सप्लोशन से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं. जो पहला पॉइंट है बेटा आपके पास वो यही है, ऑलवेज इंसर्ट स्विचेस इन द वे ऑफ लाइव वायर, ठीक है. पहला पॉइंट आ गया आपके पास, ऑलवेज इंसर्ट स्विचेस इन द वे ऑफ लाइव वायर, ठीक है. कि आपने बेटा जो स्विच इंसर्ट करना है वो लाइव वायर का जो वे है उसमें इंसर्ट करना है, ठीक है. चलें नेक्स्ट है आपके पास, डू नॉट प्लग इन मेनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एट द सेम सॉकेट, ठीक है. डू नॉट प्लग इन मेनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एट द सेम टाइम at the same socket, ठीक है. कि अब हम क्या करते हैं कि अडॉप्टर ले आते हैं, एक हमने स्विच लगाया उसके दाएं भी स्विच, उसके बाएं भी स्विच, उसके ऊपर भी, बहुत सारे अप्लायसेस को हम एक ही जो सॉकेट है उसमें क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. तो बेटा ये भी क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना. क्लियर, चलें इसकी इसका नुकसान क्या हो सकता है बेटा, इट मे इंक्रीज द चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है. अब जैसे हम बहुत ज्यादा अप्लायंसेस को एक सॉकेट में लगा देंगे तो क्या होगा, इट मे इंक्रीज व्हाट चांस ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है. शॉर्ट सर्किट होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. क्लियर. थर्ड पॉइंट है बेटा आपके पास, डू नॉट लेट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टच विद द वाटर, ठीक है. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद
वाटर। क्या होता है बेटा, वाटर में आपको पता है आयन तो होते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी वाटर की आयनाइजेशन होगी और उन आयन से करंट पास कर जाएगा। क्लियर? चलें, as water is conductor of electricity therefore it may increase the chances of short circuit। ठीक है, अब वाटर आपके पास क्या है, मैंने बताया आपको एक आयनाइजिंग मटेरियल है, ठीक है, एक आपके पास कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, पास कर सकती है। क्लियर? चलें, आपने जब वाटर के साथ जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनको जरा भी टच नहीं करना। पॉइंट नंबर 4 है आपके पास, द यूज ऑफ फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर रिड्यूस द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमने क्या करना है, यूज ऑफ क्या क्या, फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर, यूज ऑफ फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। क्लियर हो गया कि हम क्या करें, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर यूज करें ताकि जैसे ही जो कुछ इस तरह का कोई हादसा होने का खदशा हो तो जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाए या जो सर्किट ब्रेकर है वो सर्किट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। क्लियर? नेक्स्ट बेटा आ रहा है आपके पास पॉइंट नंबर 5, अर्थ वायर मस्ट बी कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है, अर्थ वायर मस्ट बी कनेक्टेड टू अप्लायंसेस। आपको पता है बेटा कितनी तरह की वायर होती हैं, तीन तरह की, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड थर्ड वन इज द अर्थ वायर। जो अर्थ वायर है वो भी बेटा आपकी किसके साथ कनेक्ट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ। दिस कैन सेव फ्रॉम पॉसिबल एक्सीडेंट्स। जाहिर बात है जब उसको हम अर्थ वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो जो पॉसिबल जो चांसेस हैं हादसा के वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पॉइंट 6 है, डू नॉट पुल द वायर रिमूविंग आउट ऑफ प्लग फ्रॉम द सॉकेट, पुल द वायर। अब बेटा हम क्या करते हैं, जब हम किसी जो आप कह सकते हो स्विच को सॉकेट से निकालते हैं, हम उसकी पिछली वायर से पकड़ के उसे ऐसे खींच देते हैं, ऐसा आपने नहीं करना। अब जिसका प्रॉपर स्विच है आपने उससे पकड़ को उस सॉकेट से क्या करना है, निकालना है। डू नॉट पुल द वायर रिमूविंग आउट ऑफ द प्लग, डू नॉट पुल द वायर रिमूविंग आउट ऑफ द प्लग। ठीक है, इसी तरह से जो पॉइंट है ना आपके पास, फायर एक्सटिंक्शर शुड बी मेड अवेलेबल इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, मतलब जो फायर को डिटेक्ट करने के लिए बेटा डिफरेंट आलात हैं, फायर क्या बेटा उनको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सटिंक्शर्स, मस्ट बी अवेलेबल इन ऑफिसेस एंड अदर वर्क प्लेसेस। क्लियर हो गया? चलें, ये बेटा 7 पॉइंट है हमारे पास जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि जो फायर की वजह से जो आपके पास डिफरेंट तरह की जो हादसा होते हैं उनकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी से उसे हम क्या कर सकें, बच सकें। क्लियर हो गया? जल्दी से बेटा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है इसमें। आपके पास जो सबसे पहला है वो यही है कि ऑलवेज इंसर्ट स्विच इन द वे ऑफ लाइव वायर। आपने क्या करना है कि जो स्विच आपने लगाना है वो लाइव वायर के वे में लगाना है। फिर जी हमने बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनको एक सॉकेट में नहीं लगा देना। फिर डू नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद द वाटर, वाटर के साथ हम इसको टच भी नहीं करना। यूज ऑफ फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर, हमने सर्किट ब्रेकर का और फ्यूज का क्या करना है, यूज करना है। क्लियर? इसी तरह से अर्थ वायर मस्ट बी कनेक्टेड टू द अप्लायंसेस, अर्थ वायर जो है आपके पास वो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। फिर हमने देखा है कि डू नॉट पुल ऑफ द वायर रिमूविंग आउट ऑफ द प्लग, हमने वायर को नहीं खींचना। फिर यही है कि जो फायर एक्सटिंक्शन अलार्म्स हैं वो भी वहां पे जहां पे वर्किंग प्लेसेस पे वहां पे मौजूद होने चाहिए। ये आगे बेटा हमारे पास डिफरेंट तरह की जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं। क्लियर? अब आते हैं फर्स्ट एड की तरफ। ठीक है, कि जो खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा इस तरह का हो गया है, ठीक है,
तो तब हमें किस तरह से उसको हैंडल करना है, किस तरह से टैकल करना है। क्लियर? चलें पेज नेक्स्ट पेज पे बेटा, ये आपके पास 122 पे फर्स्ट एड एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट एड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? चलें अब देखते हैं बेटा, इफ अ पर्सन हैज रिसीव्ड इलेक्ट्रिक शॉक, वॉच बिफोर टचिंग हिम वेदर ही इज नॉट स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। अब देखना बेटा आपने कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे को, किसी पर्सन को जो इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं फौरन से जाकर उसे खींचने लग पड़ना, पहले देखना है क्या वो अभी भी उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है या वो खत्म हो चुका है। अगर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो अगर आप उसको जाके पीछे की तरफ अपने हाथों से खींचेंगे तो बेटा आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो करंट उसकी बॉडी में बह रहा है वो उसकी बॉडी से आपकी बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जब किसी भी बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो फौरन से उसे जाके नहीं पकड़ना। क्यों? क्योंकि बेटा जिसकी बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है वो आपकी बॉडी में भी फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, आपने उसको जो आपके पास स्विच है उसको टर्न ऑन करना है, टर्न ऑफ कर देना है, सॉरी, जो आपके पास स्विच है उसको टर्न ऑफ कर देना है, टर्न ऑफ द स्विच। अब जैसे ही बेटा आप स्विच को टर्न ऑफ करेंगे तो जो आपके पास करंट है वो उसका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और उसकी जो करंट बहना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जिस पर्सन को शॉक लगा हुआ है उसकी बॉडी में से भी अब करंट नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि जो करंट का जो सर्किट था वो क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो पहला आपने क्या करना है, टर्न ऑफ द स्विच, हमने स्विच को क्या कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है। इन केस द मेन स्विच इज आउट ऑफ रीच, डिटैच द सर्किट पर्सन फ्रॉम द अप्लायंसेस विद द हेल्प ऑफ वुडन रॉड और द प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। चलिए अब खुदा ना खास्ता आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ठीक है, या आप ग्राउंड फ्लोर पे, और जो मेन स्विच है वो सेकंड फ्लोर पे है। ऐसा तो नहीं होगा आप उस पर्सन को छोड़ के जल्दी से भाग के जाएं और जो स्विच को क्लोज करके आए, तब तक तो बेचारा अल्लाह हाफिज हो चुका होगा। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका ये होता है कि हम किसी लकड़ी की चीज से, क्योंकि बेटा जो वुड है आपके पास वो इंसुलेटर है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, लकड़ी की कोई चीज लेके उससे बेटा उस पर्सन को जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है उसको उस जो अप्लायंसेस से हटा लें। क्लियर? ठीक है, बाय द यूज ऑफ वुडन बॉक्स, ये सिंपली मैं यहां बाय द यूज ऑफ वुडन मटेरियल पुल द पर्सन विद इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब जिस इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है उसको बेटा आप जो है वुडन की जो मटेरियल, वुडन मटेरियल का कोई स्ट्रक्चर है उससे आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सेकंड है आपके पास इलेक्ट्रिक शॉक कैन बी स्टॉप रेस्पिरेशन एंड इट आल्सो कैन कॉज द डेथ ऑफ द विक्टिम। क्या हो सकता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक लगा उसका जो रेस्पिरेशन है, सांस लेने का जो अमल है वो स्टॉप हो सकता है और अल्टीमेटली उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। If breathing stop, try to restore respiration artificially by giving air through mouth. ठीक है? Artificial breathing. ठीक है? उसके माउथ से बेटा उसको ब्रीदिंग करवाने की क्या करें, कोशिश करें, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि जब करंट आपकी बॉडी से फ्लो करता है तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डैमेज करता है और जो रेस्पिरेशन का अमल है वो क्या हो जाता है, बहुत स्लो डाउन हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। सो इस तरह से हम आर्टिफिशियल ब्रीथिंग के थ्रू जो उसको पर्सन को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ हॉट स्टॉप ब्रीथिंग प्रेस अपॉन द चेस्ट रिपीटेडली विद बोथ ऑफ योर। अब देखिए अगर उसका जो पर्सन है उसकी जो हार्ट बीट है वो रुक गई है, हार्ट बीट अगर रुक गई है तो क्या करें कि अपने दोनों हाथों से जो उसकी चेस्ट है उस पर बेटा उसको दबाएं, उसको प्रेस करें, ठीक है। हार्ट बीट, If the heartbeat is stopped, press the chest with both hands. ठीक है,
ताकि बेटा जो उसकी कह सकते हो कि जो हार्ट बीट है वो बहाल हो सके। इमीडिएटली कॉल फॉर एम्बुलेंस एंड कैरी द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। ठीक है, जल्दी से बेटा क्या करें, एम्बुलेंस को बुलाएं। कॉल द एम्बुलेंस एंड कैरी द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। और पेशेंट को कहाँ ले जाएं, हॉस्पिटल ले जाएं। ठीक है, ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। ये है बेटा, इस तरह से हम जो फर्स्ट एड एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। क्या क्या, पहली बात तो हमने बेटा जो स्विच है उसको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। ठीक है, ताकि जो पर्सन आपके पास जिसकी बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक जिसको लगा हुआ है, वो बेटा उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट का जो भाव है वो क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है, इसके लिए आप दो तरह से आप कर सकते हो। एक तो ये है कि आप जो आपका मेन स्विच है उसको ऑफ कर दो। ठीक है, अगर आपका जो मेन स्विच है वो आपकी रेंज से बहुत बाहर है, आप मतलब उस तक नहीं पहुंच सकते जल्दी, तो क्या करो, वुड की कोई चीज ले, एक वुडन मटीरियल ले के बेटा उससे उसको रिमूव करने की कोशिश करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि वुड आपके पास क्या है, एक इंसुलेटर है जिसमें से करंट पास नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। अब बेटा जब उसमें से करंट पास नहीं होगा तो आप उसको उससे क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक अप्लायंस से रिमूव करवा सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होती है ये आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर जो है ज़्यादा इफेक्ट करती है, मतलब आपका जो सांस लेने का अमल है वो रोक देती है। अब क्या करें आप, शायद कि उस पर्सन की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है या जो उसकी ब्रीदिंग है वो इंक्रीज हो जाए, उसके लिए आप क्या करें, आप उसको आर्टिफिशियल ब्रीथ करवाएं। इसी तरह से अगर उसकी हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है तो क्या करें, आप उसकी चेस्ट को प्रेस करें और लास्ट में बेटा अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो एम्बुलेंस को बुलाएं और जो है पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाएं। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।